दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे सारे आपके सॉफ्टवेयर के ड्राइवर वन क्लिक में इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको अलग अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगा और वन क्लिक में आपका पूरा सॉफ्टवेयर, जितने भी सारे आपके सॉफ्टवेयर के लिए लगते हैं, वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वन क्लिक में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो पे आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल टेकदीप में। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये वन क्लिक में सारे ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पर आना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल पे जाना है दोस्तों। गूगल पे जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेना है चिमेरा टूल। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं, आपको फर्स्ट लिंक पे आना है चिमेरा टूल पे। इसको ओपन कर लेना है, फिर इसका ये वेबसाइट खुल जाएगा दोस्तों। और हो सकता है काफ़ी सारे भाइयों को ये चीज़ पता होगा। तो ये आपका ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे आने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे एक साइड पे, डाउनलोड चिमेरा टूल इंस्टॉलर का ये वाला। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन करना है दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों आपके जो पीसी पे अगर कभी हो सकता है बीच में कभी फॉर्मेट किए हो या कभी कोई ड्राइवर नहीं ले रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो इस ट्रिक से आपको उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगा आप लोग से ये शेयर करूं, तो आपको भी ड्राइवर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये जो चिमेरा टूल का जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये तो रन एंड एडमिनिस्टर करके भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर ये रन करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। और इससे जो है दोस्तों आपके जो फ्लैशिंग के लिए या FRP के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत है दोस्तों, तो इससे आपका आपके PC में ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर देते हैं, देखेंगे यहाँ पर ये रन का ऑप्शन आ चुका है। रन कर देते हैं, यस करके रन कर देते हैं। फिर ये एक बार और आएगा, रन करने का ऑप्शन एक बार फिर से आएगा। फिर यहाँ से आपको लैंग्वेज, यहाँ पर हमारा इंग्लिश सेलेक्ट है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्सेप्ट करके एग्री करके आपको राइट टिक करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको फुल इंस्टॉल भी दिखा रहा है और कस्टम इंस्टॉल भी दिखा रहा है, तो आपको फुल में कर लेना है, ताकि फुल में आपके सारे ड्राइवर, जितने भी सारे ड्राइवर हैं, मोटोरोला के, सैमसंग के, HTC के, वीवो के, जितने भी है, ओप्पो के, जितने भी सारे ड्राइवर है, आपके फुल इंस्टॉलेशन में आपके सारे ड्राइवर यहाँ पर देखेंगे। ये डाउनलोड होना चालू हो रहा है। ये पहले यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइल को डाउनलोड करके आपको रन कर देना है, फिर ऑटोमेटिकली आपका आपके PC में पूरा ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और मैं दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय लगता है, 15-20 मिनट का समय लगता है पूरे सारे ड्राइवर को डाउनलोड होकर इंस्टॉलेशन होने में। बाकी आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम ले लेता है। तो ये मेरा ये हो चुका है और ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। तो तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको होते रहने देना है। और ये आपके PC पे पूरे सारे ड्राइवर जितने भी है, देख सकते हैं यहाँ पर सभी ड्राइवर, यहाँ पर सैमसंग, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेडी, मोटोला, जितने भी सारे ड्राइवर हैं, ये सारे ड्राइवर वन क्लिक में आपके इंस्टॉलेशन हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये अपना कंप्लीट हो भी चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे चैनल में ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप वहाँ पर भी जा कर के दे सकते हैं। और कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।